हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेकिंग सोडा के बारे में क्लासेस जो भी थी, 10th क्लास केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी वो होगी वॉशिंग सोडा, मतलब हिंदी से बोलते हैं धोने का सोडा। तो वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला को समझेंगे, उसके केमिकल नाम को समझेंगे, उसका हम लोग प्रिपरेशन को समझेंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को समझेंगे। तो आज भी ये क्लास जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी और पूरी तरह से आप लोगों का वॉशिंग सोडा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, वॉशिंग सोडा को क्लियर करते हैं पूरी तरह से एकदम वॉशिंग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक है और बहुत मज़ेदार है, ध्यान से समझिए। वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा नाम से पता चलता है धोने का सोडा। तो चलिए आज हम लोग फॉर्मूला भी जान जाते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, डिटर्जेंट पाउडर, ओके। तो देखिए, वॉशिंग सोडा यदि फॉर्मूला बात किया जाए, Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट, और ये देखिए 10 मतलब डेका हाइड्रेट, नाम समझिए एकदम सिंपल है, सिंपल नाम एन सोडियम कार्बोनेट 10 डेका वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट। तो याद रखिएगा नाम को, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, दैट इज व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉशिंग सोडा, ओके। सो यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों कि यहाँ से यदि 10 मॉलिक्यूल जो वाटर है, वाटर यदि हट जाए तो ड्राई हो जाएगा, वो ड्राई होगा मतलब एनहाइड्रस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। यदि हम लोग यहाँ पर एनहाइड्रस कर देते हैं, एनहाइड्रस मतलब पानी को निकाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसको फॉर्मूला Na2CO3 हो, जिसको कहते हैं सोडा एस, याद रखिएगा सिंपल। यदि हम लोग वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहे तो कहते हैं सोडा एस, क्या कहते हैं, सोडा एस, ओके। मैन्युफैक्चर पे आते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हम लोग जो मेथड कैसे बनाएंगे भाई, है ना, कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल। यदि आप लोग लास्ट क्लास को देखे हैं बच्चों, लास्ट क्लास जिसमें मैंने बताया था बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, तो यदि आपको बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन का पहला वाला यदि आप लोगों को फॉर्मूला पता था, जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड मैंने बताया था कि कॉमन सॉल्ट साधारण नमक हम लोगों का रॉ मटेरियल होगा बनाने के लिए, क्या होगा, रॉ मटेरियल समझते हैं ना, जो स्टार्टिंग जो हम लोग रॉ का बात करते हैं, जिससे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वॉशिंग, हम लोग जो बेकिंग सोडा का बात किए थे, ये रिएक्शंस को देखिए, NaCl H2O अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम लोग का बना था NaHCO3 NH4Cl, ये जो है बेकिंग सोडा जो हम लोगों का था, सेम टू सेम वही है पहला रिएक्शन। देखिए हम लोगों का क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज नथिंग सिंपली बेकिंग सोडा, याद कीजिए, यदि नहीं याद आ रहा है तो लास्ट क्लास को देखिए बच्चों। तो देखिए NaHCO3, यहाँ तक हम लोग जो शुरू में पढ़े थे बेकिंग सोडा वही है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल हीट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे। तो देखिए जो हम लोगों के पास ये मिला हुआ है NaHCO3, इसको हम लोग गर्म करते हैं, ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म यदि हम लोग करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट CO2+H2, ठीक है। अब ये जो बनी है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, वाटर मोलिकुल एड होगा, Na2CO3 जो हम लोग को मिल रही है इसको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग सोडियम व कार्बोनेट को रिएक्शन करेंगे, जिससे हम लोग का बनेगा वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को देखो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसको हम लोग डेका हाइड्रेट बोल रहे हैं, तो बन जा रहा क्या, Na2CO3 10H2O, जिसको हम लोग सिंपल केमिकल नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो दिस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप लोग जो समझ रहे हो वही है, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो देखा हम लोगों ने वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन सिंपल वे में समझ लिया। यदि आप लोग खाली ये रिएक्शन, एक ही रिएक्शन से सब काम हो रहा है बच्चों,
देखिए इसी यही रिएक्शन हम लोगों का किसका था, बेकिंग सोडा का। आप उसको वहाँ पर याद कर रहे हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक खाली गर्म करना है और फिर Na2CO3 सिंपल है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिस्टलाइज करेंगे हम लोग इसको, तो देखिए हम लोग Na2CO3 होगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग प्रोसेस है इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं या अमोनिया सोडा प्रोसेस, याद कर लीजिए। दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस वॉशिंग सोडा दिस इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस एंड ऑल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो ये है डिटर्जेंट मतलब वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर। सो इसको आप लोग जो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग प्रॉपर्टीज में आते हैं और यूजेज को समझते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो आइए इसका प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज और सिंपल है, तुरंत समझ जाइएगा दो मिनट में। तो देखिए प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्चुअली ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, ठीक ना। सेकेंड नंबर में रेडियली सोलबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। यदि हम लोग इसको घुला पानी में जैसे डाल देते हैं ना बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। क्या होता है ये, अल्कलाइन मतलब यदि हम लोग इसको टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट मतलब समझते हैं एसिड बेस का जो टेस्ट बात करते हैं इंडिकेटर का, यदि लिटमस पेपर आप लोग ले लेते हैं लिटमस पेपर, तो ये जो होगा क्या शो करेगी बता सकते हैं आप, इसमें रेड टू ब्लू शो करेगी। क्या करेगी, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू का मतलब क्या होता है, रेड से ब्लू का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि बेस है, अल्कलाइन नेचर है। यदि हम लोग इसका टेस्ट भी करना चाहेंगे तो हम लोग को रेड टू ब्लू शो करेगी लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर टेस्ट में। तो ये क्या होता है, ये सिंपल हम लोग बोल सकते हैं सोलूबल इन वाटर में जो अल्कलाइन होता है, क्या होता है, अल्कलाइन, और लिटमस पेपर में हम लोगों का रेड टू ब्लू शो करती है जिससे पता चलता है अल्कलाइन नेचर का। एक्शन ऑफ हीट, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी अभी, कि गर्म करने पर क्या होगा, अपना वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, Na2 10H2O है ना, इसको यदि हम लोग गर्म कर देते हैं हीट कर देते हैं तो क्या करेगा, ये 10 मॉलिक्यूल को वाटर का देखिए लॉस होकर जाएगा, ये हम लोग का सोडियम सिंपल सोडा एस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधी सोडा एस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा देख रहे हैं आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्कलाइन होता है, गर्म करने पर ये 10 मॉलिक्यूल जो होगा ये लॉस कर जाएगी और ये सोडा एस बनाती है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है। यूजेज बहुत ही कॉमन यूजेज है, जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर समझते हैं ना, जो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर पर ये जिसमें हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम का जो होता है हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब होता है तो उसको हार्डनेस सॉफ्टनिंग करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। वॉशिंग पर्पज़ समझ ही रहे हैं, वॉशिंग पर्पज़ में हम लोग यूज करेंगे। और जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब कपड़ा उद्योग जो बात करते हैं, जो होता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप लाइक ग्लास पेपर, इस सब का हम लोग जो मैन्युफैक्चर इस सब का बात करते हैं कि सॉप का, साबुन का, ग्लास का, पेपर का, तो ये सब कुछ बेसिक यूजेज है, बहुत ही कॉमन यूज है। अरे सब टॉपिक बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला याद कीजिए, मेथड को याद कीजिए, बहुत ईजी है, आराम से नंबर मिल जाएगा। और ये फिफ्थ नंबर में देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोराक्स, फिर सिक्स्थ नंबर में देख रहे हैं रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। तो ये सब कुछ बेसिक यूजेज है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, टॉपिक सब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूला को याद कीजिए, समझिए, नोट्स बनाइए, बस उसके बाद आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, आसानी से 3 नंबर आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वॉशिंग सोडा, और लास्ट क्लासेस में था बेकिंग सोडा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, देखिएगा सारी चीज़ क्लियर होगी। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।